दोस्तों, नाइट्स डिवाइडेड इवेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट आया है, बहुत ही अच्छा इवेंट है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो गोइंग डार्क में क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये दोनों जो फीचर्ड और सीजनल दोनों का मैंने फुल डिटेल वीडियो अपलोड कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे तो, ठीक है, ये फुल डिटेल वीडियो है। तो चलिए नाइट्स डिवाइडेड इवेंट में चलते हैं। तो दोस्तों, आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको पता ही होगा कि कुछ इस प्रकार का इवेंट गाइड आता है, गाइडलाइन, ठीक है, इसके बारे में डिटेल दिया रहता है, वेपन सेट। तो चलिए इसमें बैक करके चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको दो प्रकार का ऑप्शन आता है, ब्लू और रेड। तो दोस्तों, मैंने अब ये जो है, ये अभी जो अकाउंट दिख रही है, मेरा अदर अकाउंट है, दूसरा अकाउंट है, ठीक है, मैं इसमें अभी रेड ले रहा हूँ, ठीक है, और मेरा मेन जो अकाउंट है उसमें मैंने ब्लू लिया, यानी आप बोल सकते कि मैं ब्लू टीम लिया हूँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में मैं अभी रेड दिखा रहा हूँ, और दोस्तों मैं इन दोनों का कंपेरिजन दिखाऊंगा पूरा डिटेल से, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, इन दोनों का कंपेयर दिखाऊंगा, ठीक है, गन स्किन उसके बाद पिस्टल जो भी है एक साथ कंपेयर दिखाऊंगा। दोस्तों, आप जब जीत जाएंगे गेम में तो ये आपको बैग मिलेगा, ठीक है, इसमें कुछ एनिमेशन होता है, ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो चलिए अभी रेड ज्वाइन करते हैं। मैं ब्लू पहले ले चुका हूँ, आपको रेड दिखा रहा हूँ, तो दोनों का मैं कंपेयर दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं व्यू मैप है, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों, ब्लू टीम जब अगर लेंगे तो उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा, कोई अंतर नहीं है दोस्तों, दोनों बिल्कुल सेम है, खाली कलर अलग है, ये स्किन सबका, ठीक है, मैप जो है बिल्कुल एक ही जैसा है, कोई अंतर नहीं है। और दोस्तों, आप अगर ऊपर देख सकते हैं तो बोनस नाम का कुछ आ रहा है, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कुछ डबल द पॉइंट अर्न बता रहा है, इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, आप सी ऑप्शन से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, गन वगैरह जो भी है परचेज कर लीजिए, उसी से क्लिक कीजिए तो आपका शायद अर्न ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आप जैसे गो पर क्लिक करेंगे आपका मल्टीप्लेयर मैप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गेम प्ले करते हैं और अर्न करते हैं जो भी इवेंट आया, ठीक है। तो दोस्तों, मैं गेम प्ले कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं जो है गेम में प्ले करते हुए सारा डिटेल बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अगर ज़्यादा मल्टीप्लेयर गेम प्ले करते हैं, मतलब रैंक मैच हुआ, इसमें दोस्तों ये जो इवेंट आया है नाइट्स डिवाइडेड, इसमें आप कोई भी मल्टीप्लेयर सेलेक्ट कर लीजिए और प्ले कीजिए, ये अपने आप ही काउंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दोस्तों, इस इवेंट में साथ ही आप सीजनल इवेंट भी इसी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीजनल इवेंट जो आया है, ठीक है, इसमें और ये दोनों एक साथ आप कंप्लीट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो गन है, यह सीजनल इवेंट का ही मिशन दिया हुआ है, इससे मैं किल कर रहा हूँ 5 अटैचमेंट के साथ। तो मैं सीजनल इवेंट का भी मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ, साथ ही नाइट्स डिवाइडेड जो है इसका भी मैं मिशन कंप्लीट कर। दोस्तों, नाइट्स डिवाइडेड में आपको क्या करना है, मल्टीप्लेयर गेम में जो है आप जितना मतलब ज़्यादा किल करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, ये उतना जल्दी आपको स्किन देगा, ठीक है, इसमें यही बात है। आप जितना फास्टली क्विकली मतलब सेंट्री गन हो या कुछ भी आप यूज करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा किल करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, इनिमीस को मतलब मौका नहीं देंगे, तो ये बहुत ही जल्दी आपको स्किन दे देता है, ठीक है। तो अभी मैं ये जो गेम प्ले कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में कट कर रहा हूँ ताकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है, मैं वीडियो को कट करके बना रहा हूँ ताकि ये गेम प्ले में ज़्यादा मैं कट कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप ये ऑपरेटर स्किल या कोई भी स्किल आप यूज करते तो और उससे ज़्यादा एनिमीज का, जैसे देख सकते हैं दोस्तों, मैं शैडो ब्लेड यूज कर रहा हूँ, इससे मैं किल करूँगा, उसी तरह अगर आपको जो भी ऑपरेटर स्किल पसंद है, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ज़्यादा एनिमीज का किल कीजिए। जैसे दोस्तों देख सकते हैं ये भी स्किल यूज कर रहा है, तो मैं इसका भी किल कर दूंगा, जिससे मुझे और एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपको दिखाएगा नहीं, लेकिन आपका ये पॉइंट जल्दी आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे कि ये सेंट्री गन में सेट कर दिया, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और दोस्तों, सेंट्री गन को आप EMP से भी आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे, ठीक है, EMP मिशन देगा तो उससे भी आप डिस्ट्रॉय कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी ऑपरेटिव स्किल यूज करते हैं, ये सेंट्री गन यूज करते हैं, कुछ भी, वो सब ज़्यादा इनिमीस का किल कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ और कंपेयर बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों ब्लू टीम और रेड टीम में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, दोनों का अंतर बता रहा हूँ। दोस्तों, दोनों में एक चीज़ आपको अलग मिलेगा, सिर्फ एक चीज़, वो है फ्रेम, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, नाइट्स डिवाइडेड में मुझे कुछ मिला है, तो देख सकते हैं मुझे मिल गया है। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लेयर हो या फिर मल्टीप्लेयर रैंक मैच हो, दोस्तों ये सब आपको पाने के लिए मल्टीप्लेयर गेम प्ले करना होगा कोई भी, ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप ब्लू टीम से हैं तो आपको ये ब्लू वाला फ्रेम मिलेगा, अगर आप रेड टीम से हैं तो आपको रेड फ्रेम मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों में से अगर आपको पसंद है कोई भी तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप इन दोनों में से कौन फ्रेम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं कंपेयर बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको अगर रेड टीम है तो आप देख सकते हैं नीचे वाला स्क्रीन और ब्लू वाला टीम ऊपर वाला देख सकते हैं, तो दोनों कुछ एक जैसा ही है, खाली फ्रेम जो है वही अलग था, बाकी सब दोस्तों एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है, खाली कलर में चेंजिंग है, बाकी सब एक है, सिर्फ फ्रेम जो है उसका डिजाइन अलग है। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आगे ऐसे फुल डिटेल वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।